तो यार आ चुके एक और नोड सत वापस। तो ये वाली गाइस वीडियो में हम उतरते लिपोप का। तो मैंने सोचा था लिपोप का में बहुत सारे बंदे आएंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हमें बस दो ही बंदे मिलते, एक मतलब बॉट के रूप में एनिमी मिलता और गाइस एक बॉट ही रहता, ठीक है। तो ये जो बंदा मेरे सामने कूदा, जस्ट मैंने इसे सोचा कि ये बॉट है, चलो इजीली इसे पिस्तौल से ही भर देंगे। बट मैंने सोचा नहीं यार, रिस्क नहीं लेते हैं यार कुछ भी, मतलब ये एनिमी टाइप का ही मुझे लगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ शॉटगन मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो अब उसे भरते हैं, ये बॉट है या जो भी है, ठीक है। तो फाइनली चलो अभी इसका मैं पीछे लग जाता हूँ और देखो क्या होता है। और फाइनली गाइस ये एनिमी ही रहता है, मतलब मैंने इसे बॉट समझ के बहुत बड़ा गलती कर रही थी, मतलब ये एनिमी ही था, ठीक है। तो इतने में गाइस एक बॉट मिलता है और इसे भी इजीली हम भर लेते हैं। और जैसे इसे भरते हैं गाइस, यहाँ से हम निकल लेते हैं, मतलब हीली वीली करके इसे भी थोड़ा बहुत लूट लेते हैं और हम निकल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी आगे क्या होता है। तो फाइनली हमें एक फ्लेयर देखने को मिलता है और हम यहाँ पर गाइस गाड़ी जो लेके यहाँ से मतलब निकल लेते हैं एकदम रफ्तार से, मतलब धुंध जैसे। और इतने में यहाँ पर जो झोपड़ी में बंदा मुझे सोप हो जाता है। तो देखो क्या होगा आगे। और फाइनली मुझे गाड़ी सो हुआ, तो मैंने इसे टर्न किया डायरेक्ट और बोला चलो अब इसे भरते हैं, कहाँ पर है ये। और देखो क्या होता है ये। और गाइस यहाँ पर बस अब मेरा हेल्थ देखो गाइस, यहाँ पर 1 HP, मतलब अब बॉट भी मार देगा ना तो मैं यहाँ पर इजिली मर जाऊँगा। तो फाइनली इसे जैसे तैसे भर दिया और एनिमी ने मुझे बहुत ही मतलब हेवी वाला डैमेज दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इतनी में गाइस मतलब मैं जस्ट पेटी ही लूट रहा था, इतने में मेरे को लगा कि कोई आ चुका है, मतलब मेरे को लगा कि मैं गया, मतलब मेरा भी तो हेल्थ था ही नहीं और यहाँ पर एक एनिमी आ जाता है। बट गाइस इतने में मेरे को वो दिखता और मुझे लगता वो बॉट ही है। तो मैं यहाँ पर कवर में आता हूँ क्योंकि गाइस एनिमी से ज़्यादा खतरनाक तो बॉट होता है, क्योंकि उसके पास एम बॉट रहती है, आपको पता ही है, मतलब वो आपको कहीं भी मारेगा ना तो आपको हेड ही लगेगा। अब देखो तो फाइनली गाइस यहाँ बॉट को हम भर देते हैं और जैसे भरते हैं यहाँ पर हम गाड़ी लेके हीली वूली करके निकल लेते हैं यहाँ से। तो जैसे निकलते यहाँ पर मुझे फिर एक मतलब ड्रॉप मिल जाता है, ठीक है। तो चलो वो ड्रॉप पे देखते हैं मतलब क्या होता है, वहाँ पर एनिमी मिलता है या नहीं मिलता। तो फाइनली ड्रॉप जो गिरता है स्कूल में गिरता है और यहाँ पर हम गाड़ी अपना मतलब पार्क करके और घुसते हैं गाइस स्कूल के अंदर। तो स्कूल के अंदर घुसने के बाद यहाँ हम एनिमी को खोजने लगते हैं कि वो कहाँ पर है। और मुझे डर भी लग रहा था कि वो कहीं से मतलब कैंप बना कर रहा हो, कैंपस हो तो यार बहुत डर लगता। और आगे देखो यहाँ पर क्या होता मेरे साथ। फाइनली गाइस यहाँ हमें एनिमी शो होता है और इजीली इसे हम भर भी देते हैं और हल्का सा वो एनिमी मुझे हालांकि डैमेज देता है बट यार भर देते हैं यार इसे भी। और इतने में मेरे को आता फुट स्टेप, वो भी बॉट का। तो मैंने सोचा चलो यार बॉट है, भर देते हैं इजीली। और अभी देखो तो पीछे से जो फायर किया ना मैं उसमें डर गया, मतलब अब यहाँ एक एनिमी भी आ चुका है बॉट के अलावा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था बॉट का एनिमी कहाँ है। तो देखो क्या होता आगे। तो ये जो बंदा है गाइस कहाँ से मार रहा था पता नहीं चल रहा, तो मैंने सोचा यार हीलिंग वीलिंग कर लो यार, बंदा बड़ा तगड़ा लग रहा है कहीं से भी मार सकता है। तो यहाँ पर हम हीलिंग देखो मेरा बहुत ही कम था तो इसीलिए मैंने हील जल्दी से कर लिया। और फाइनली एनिमी को मैंने पहले मारा और बॉट को बाद में, तो एनिमी यहाँ पर मैं भी फंस गया और यार एनिमी भी यहाँ पर फंस गया। मैं ऐसे मतलब उस पर रेस्ट किया कि वो भी फंस गया और मैं भी। फाइनली यहाँ पर हम भर दिए दोनों को, बॉट को भी और एनिमी को। और यहाँ पर हम जैसे निकलते यहाँ पर मेरे को सो जाता एक गाड़ी। तो यहाँ पर अब मैंने सोच लिया यहाँ एनिमी है तो चलो देखते हैं कहाँ पर है। तो फाइनली वो यहाँ मिल जाता है और यार मशीन गन से मार रहा था मैंने इसे, मशीन जैसा पीसी दिया। तो चलो इसका मशीन गन ले लेते और यहाँ से हम मतलब निकल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लूट लूट के इसका मशीन गन ले लेते हैं यार, इसे मशीन की तरह पीस के और यहाँ से हम निकल लेते हैं। और देखो आगे क्या होता है। तो फाइनली गाइस यहाँ जैसे आते हैं तो घूम घाम के मतलब पूरा मैं घूम लेता हूँ यहाँ पर। मुझे को लगता है ये ड्रॉप लूटने कोई ना कोई जरूर आएगा और ऐसा होता भी है। देखो और ऐसा होता भी गाइस, मैं इसे भर लिया तो मैं इसे कवर में ले लेता हूँ मतलब गाड़ी को अपना और अपना हीलिंग वीलिंग करता हूँ, क्योंकि गाइस मैं यहाँ ओपन में और ओपन में कोई भी मुझे हेडशॉट या कुछ भी मार के भर सकता हूँ। तो मैं वहाँ बहुत ही ओपन में था, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपार्टमेंट पर ले लेते हैं और अपार्टमेंट में जैसे जाते हैं गाइस हीलिंग वीलिंग करके हम देखते एक फ्लेयर दिखता है मुझे अपार्टमेंट से। तो मैं वहाँ पर फट से निकल लेता हूँ गाड़ी लेके अपना। और जैसे निकलता हूँ यहाँ पर देखना मेरे साथ क्या सीन होगा आप देखना, ठीक है।
मतलब ये पिंग यार MS ये क्या चीज़ है, आप देखो मेरे साथ क्या होगा। मैंने तो सोच लिया था यहाँ पर मतलब ये जो फ्लेयर है ये तो लुटा चुका है, तो ये चलो देखते हैं एनिमी कहाँ लेटा हुआ कहाँ नहीं। पर फाइनली वो मुझे शो हो जाता है यहाँ पर स्क्वाड हाउस पे, तो देखो यहाँ पर अब क्या होगा। जस्ट वो जो बंदा ऊपर शो हो जाता है मुझे, और मैंने सोचा चलो अब भर देते हैं, तो बट इतने में देखो आप वो जो बंदा कवर पे चल जाता है, और मैं सोचता हूँ यहाँ पर चलो एक ग्रेनेड कुक करते हैं और उसे मतलब इजिली फोड़ देते हैं, बट ऐसा कहाँ होता है यार, आप देखो क्या होता है मेरे साथ। तो यार कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब पिंग अचानक से ऐसा हाई हुआ ना, मतलब ग्रेनेड कुक हुआ ठीक से ना कुछ, अचानक बस मेरा हेल्थ जो है कम हो जाता है यहाँ पर। मतलब शायद मेरे को लगता है वो बंदा मुझे मारता है, बट मैं मतलब कवर में नहीं रहता हूँ इसलिए पिंग के वजह से, ठीक है। तो मैं जो है वो बंदे को बहुत खोजता हूँ, मतलब घास उसमें भी वो बंदा जो कूद देता है मेरा पिंग हाई था तब, और इतने में मेरे को जॉन भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं भाग लेता हूँ यहाँ पर जॉन में, क्योंकि यार लास्ट जॉन होता जा रहा और इतने में मतलब हेल्थ भी बहुत ही खाता है, ठीक है। तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ पर जॉन में फाइनली, और देखो आगे क्या होगा। और जैसे मैं यहाँ से आगे मतलब जैसे जाता हूँ एक जो गाड़ी मतलब शो हो जाता है। तो गाइस अच्छे हेडफोन्स के यही फ़ायदा है, ठीक है। तो आप भी हेडफोन यूज़ करो और अच्छे वाले यूज़ करो, आपको ये मतलब साउंड जो बहुत परफेक्ट सुनाई देगा, ठीक है। तो ये गाड़ी पीछे से मेरे को सुनाई दे दिया था, अब देखो क्या होता है इसके साथ। फाइनली वो भी बंदा जो सीट चेंज करके मुझे हल्का सा डैमेज दिया था, बट कहाँ यार वो टिक पाया M249 के साथ, ठीक है। तो इसलिए उसे मैंने भर दिया। और यहाँ पर इस घर पे हम हीलिंग वीलिंग कर लेते हैं गाइस, क्योंकि अब बचे हैं बस मात्र दो बंदे। तो दो बंदे कहाँ पर हैं चलो देखते हैं। और फाइनली एक बंदा यहाँ शो हो जाता है, और फाइनली देखो यहाँ पर क्या ही हम मारते हैं इसको। फाइनली आपको भी यही करना है, एक जंप एंड शूट देना राइट से एक लेफ्ट से, मतलब आप मूवमेंट उसका चेंज करते रहना, ठीक है। एक इधर से मारो, अब ये मूवमेंट जो इधर आपका बना लेगा, और आप सिंपली पीछे उसे भर दो। तो गाइस आगे माफी चाहता हूँ, मैं मर जाता हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग वो जो है कट जाता है, और एक ही बंदे बचते हैं, और वो बंदा जो गीली सूट पहन के आगे लेटा हुआ रहता है, और वो इजिली मुझे भर देता है। क्योंकि गाइस मैं जो अपना रिकॉर्डिंग चेक करने लगता हूँ कि अचानक से कटा क्यों, तो गाइस मैं इसे चेक करते रहता हूँ, और फाइनली आगे जो है मैं जैसे ऊपर जाता हूँ वो बंदा जो मुझे भर देता है। तो फाइनली गाइस आज के लिए इतना ही। तो यार वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।